हेलो नमस्कार, मैं नमर चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और अतिथि शिक्षक के वेतन वृद्धि को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, इनकी बात हुई है मुख्यमंत्री के OSD मनीष पांडे जी से और मुख्यमंत्री के सचिव से और ट्रायल विभाग के कमिश्नर से। इसमें अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण करने के संबंध में बात की गई है। इन्हें 27 मांगें रखी हैं शिक्षक संघ ने, जिसके ऊपर चर्चा की जाएगी और पंचायत बुलाई जाएगी। जल्द से जल्द पंचायत बुलाई जानी है और अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का भी निराकरण किया जाना हो। जो 27 समस्याएं उनके ऊपर भी विचार किए जाएंगे, उनकी भी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसमें शिक्षकों की समस्या मेन है, जिसके बारे में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलें। शीघ्र ही होगी शिक्षक पंचायत, शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण। तो इसमें अतिथि शिक्षकों की समस्या मैंने 27 समस्याएं रखी गई हैं, जिसका जल्द ही निराकरण किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के संभागीय सचिव जगदीश सिंह केलवा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष लाचीराम और महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौर ने आज मुख्यमंत्री के OSD मनीष पांडे और प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी और ट्रायल विभाग के कमिश्नर संजीव सिंह जी से भेंट की, जिसमें 27 मांगों को रखा गया है मुख्यमंत्री के सामने कि 27 मांग हैं जो उनका समाधान करना है, जिसमें अतिथि शिक्षकों की मांग मेन है। इसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें बोला गया है कि सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए और आदेश जारी किया जाए। उसमें अतिथि शिक्षकों के मानदेय को दुगना करने और BEd DEd करने वाले अतिथि शिक्षकों को बिना शर्त के नियमितीकरण करने एवं वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया जाए। इसमें स्पष्ट बोला गया है कि जो अतिथि शिक्षक BEd DEd हैं और योग्यता रखते हैं, उन्हें बिना शर्त नियमितीकरण किया जाए और अतिथि शिक्षकों का वेतन डबल किया जाए। और 27 सूत्री मांगें भी रखी गई हैं, जिसके बारे में विस्तार से बताया। जैसे गुरुजी है, अध्यापक हैं और वरिष्ठता है।